चिराग नाराज चल रहे हैं शिवसेना को लेकर, कहीं ना कहीं कोई नाराज नहीं है इंडिया में, कोई नाराज नहीं है। तो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। धर्म आज मोदी जी के साथ है, धर्म न्याय मोदी जी के साथ है। जो भी भू माफिया हो, बालू माफिया हो, अत्याचार करने वाला हो, अनाचार करने वाला हो, गरीबों को लूटने वाला हो, भ्रष्टाचार फैलाने वाला हो, ऐसे सारे माफियाओं को इस बिहार की धरती पर कोई गुंजाइश नहीं है। और माननीय अधर्म के रास्ते पर चलते हो, केजरीवाल जैसे लोग और महागठबंधन जैसे लोग अधर्म के पथ पर चलने वाले हैं, वे लोग अधर्मी वाले। वह गठबंधन है जो परिवारवाद पर विश्वास करता है और तुष्टिकरण की नीति पर चलता है, वहाँ स्वार्थी स्वार्थ है। नमस्कार, आप देख रहे शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजला के साथ। केंद्रीय गृहराज मंत्री नित्यानंद राय ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर किस तरह से धर्म और अधर्म की बात कही है, कैसे बता रहे हैं कि वे केजरीवाल और महागठबंधन अधर्मी है और किस तरह से देश मोदी धर्म के साथ है, पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं नित्यानंद राय। करने वाले वह गठबंधन है जो परिवारवाद पर विश्वास करता है और तुष्टिकरण की नीति पर चलता है, वहाँ स्वार्थी स्वार्थ है। और वहाँ सत्ता के लिए स्वार्थ की इतनी टकराहट है जिसकी कोई नीति नहीं है, नीति नियत नहीं है, और उसको न देश के लोगों से मतलब है, न देश से मतलब है, न विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहाँ तो टकराहट होगी। एनडीए में कब तक सीट शेयरिंग होने की उम्मीद है? आपको पता चल जाएगा, लेकिन जल्द ही। लेकिन चिराग नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, कहीं ना कहीं जो कोई नाराज नहीं है इंडिया में, कोई नाराज नहीं है, या कहीं से कोई भ्रम फैला रहा होगा, कहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब एक साथ है, एकजुटता के साथ है, मजबूती के साथ है, और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 40 की 40 सीट बिहार की जीतेगी। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है जो न्याय पथ पे चले, धर्म का मतलब है जो अपनी मातृभूमि के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करे, जहाँ न्याय की व्यवस्था हो वहाँ धर्म है, जहाँ सत्कर्म है वहाँ धर्म है। तो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। धर्म आज मोदी जी के साथ है, धर्म न्याय मोदी जी के साथ है, और अधर्म, अधर्म का मतलब है जहाँ अत्याचार हो, घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, अनीति हो, और देश को लूटने का काम करता हो, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए अधर्म के रास्ते पर चलते हो, केजरीवाल जैसे लोग और महागठबंधन जैसे लोग अधर्म के पथ पर चलने वाले हैं, वे लोग अधर्मी। अच्छा, लटका देंगे, इसका असर देखने को मिल रहा है, ईडी ने सुबह यहाँ जो भी भू माफिया हो, बालू माफिया हो, अत्याचार करने वाला हो, अनाचार करने वाला हो, गरीबों को लूटने वाला हो, भ्रष्टाचार फैलाने वाला हो, ऐसे सारे माफियाओं को इस बिहार की धरती पर कोई गुंजाइश नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी जो कहे हैं वह बिहार के लोगों के हित में कहे हैं। माफिया राज समाप्त होगा और जनता की राज यहाँ है, और जनता की राज रहेगा, और यहाँ विकास का काम होगा। सारे माफियाओं का दिन अब लटक गया है, माफियाओं का अब कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू सर। जैसे कि आपने सुना किस तरह से नित्यानंद राय कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोगों को सत्ता का स्वार्थ है, जिस कारण से उनके बीच टकराव है, उन्हें देशवासियों से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ अमित शाह ने जो भू माफियाओं को उल्टा लटकाने की बात कही थी, उसका भी समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में अब भू माफियाओं का राज खत्म होगा और बिहार की जनता का राज होगा। इसके साथ किस तरह से वे सीट शेयरिंग को लेकर भी कहते नजर आए हैं, आपने सुना है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।